मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन क्लास सेकेंड एडेड अनएडेड उर्दू मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पेयर माय सेल्फ फारूकी इकबाल बेगम चैनल नूडल ऑफिसर पठान मोहसिन सर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। उम्मीद है आप लोग आज खैरियत से होंगे और आपका जो दिन है वो आज खुशगवार गुजरे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा बच्चों, आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? से यस और नो। कौन सी अलामत है ये? अलामत जो है, इस अलामत को हम बखूबी जानते हैं। ये अलामत जमा की अलामत है। कौन सी अलामत है? ये जमा की अलामत। और इस अलामत का इस्तेमाल हम बढ़ाने के लिए, मिलाने के लिए जो है करते हैं। इस अलामत का नाम है जमा की अलामत। दिस इज अ साइन ऑफ एडिशन। और नेक्स्ट जो है दूसरी अलामत, इस अलामत को भी आप अच्छी तरह से जानते हो। ये अलामत है तफरीक की अलामत। कौन सी अलामत है? तफरीक की अलामत। और इस अलामत का इस्तेमाल हम जब भी हमें कम करना होता है, घटाना होता है, तो उस अमल के अंदर जो है हम इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसे माइनस भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा सबक है, हमारा जो लेसन है, तो हमारा लेसन इन दोनों अलामतों पर मुश्तमिल है, जमा और तफरीक। जमा की अलामत और तफरीक की अलामत, इन्हीं दोनों अलामतों पर हमारा जो लेसन है वो मुश्तमिल है। तो आज जो है हम जो सबक पढ़ने वाले हैं, उस सबक का नाम है जमा तफरीक की जोड़ी। क्या है हमारे सबक का नाम? जमा तफरीक की जोड़ी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अ पेयर। आज हम आपकी दर्सी किताब से जमा तफरीक की जोड़ी इस सबक से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। टुडे वी विल लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अ पेयर। सो वी विल सी। अच्छा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों? वी हैव थ्री एप्पल्स। वी हैव थ्री एप्पल्स। नाउ वी विल एड टू मोर एप्पल्स। व्हाट विल बी द आंसर? हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? हमारे पास तीन सेब है। हमारे पास तीन सेब है, हम उसमें दो सेब और मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए हम कौन सा अमल करेंगे? मिलाने के लिए हम जमा का अमल करेंगे। कौन सा अमल करेंगे? जमा का अमल। तो तीन में दो मिलाने पर कितना होता है? तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तीन जमा थ्री प्लस टू। थ्री प्लस टू इज इक्वल टू व्हाट? What will be the answer? क्या जवाब आएगा? थ्री में टू एड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे के थ्री में टू एड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा? यस, वेरी गुड कुलसुम खान, सूफिया, हबीबा खान, जुनैरा, अंजुमन, वेरी गुड। हमारा आंसर जो है क्या आएगा? फाइव आएगा। ओके, क्या आएगा हमारा आंसर? जोया, वेरी गुड बेटा। थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव होता है। थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव होता है।
अब हम देखेंगे यहाँ पर हमको जो है एडिशन की एक एग्जांपल मिली, 3 + 2 = 5। अब हम इसी एडिशन के एग्जांपल से, जमा की मिसाल से, हम तफरीक की एक मिसाल बनाएंगे। तो जब भी तफरीक का अमल किया जाता है तो तफरीक का अमल करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, बड़े अदद में से छोटे अदद को कम किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इन तीनों में बड़ा अदद आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, बड़ा अदद है 5, है ना, 5 है बड़ा अदद, बिग नंबर जो है वो 5 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल एप्पल्स हमारे पास कितने हैं, 5 है, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और उसमें से हम छोटे अदद को हमको नफी करना है, तो यहाँ से हम लेंगे 2, 5 - 2। 5 - 2 करेंगे तो 5 - 2 = what? What will be the answer? 5 - 2 करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर दो मुझे चैट बॉक्स में। यस, कितना क्या आएगा हमारा आंसर? यस, वेरी गुड आसिफा, हबीबा, युसरा, हबीबा, जोहरा, अल्फिशा खातून, वेरी गुड बेटा, सुफिया, शाहिना, अलशिफा, वेरी गुड बेटा, हमारा आंसर आएगा 3। क्या आएगा हमारा आंसर? 3 आएगा। तो 5 में से 2 नफी करने पर हमारा जवाब आएगा 3। 5 - 2 = 3 होता है। हमने पहले बड़ा अदद लिया, फिर उसमें से छोटे अदद को नफी किया, तो छोटा अदद नफी करने पर हमारा जवाब क्या आया? 3 आया। तो इस तरह हमने जमा की मिसाल से जो है तफरीक की मिसाल बनाई। अब हम एक और एग्जांपल जो है देखेंगे। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज दिस? मैंगो, यम्मी मैंगोस, है ना, सबको देखकर मुंह में पानी आया कि नहीं? हाँ, अभी देखिए यहाँ पर वी हैव 3 मैंगोज, नाउ वी विल एड 4 मोर मैंगोज। मेरे पास 3 आम है, मैं उसमें 4 आम और मिलाऊंगी, तो मेरे पास कुल कितने आम हो जाएंगे? अब मिलाने के लिए मैं कौन सा अमल करूंगी? जमा का अमल करूंगी, है ना, एडिशन का अमल करूंगी। तो 3 + 4 = what? What will be the answer? क्या जवाब आएगा हमारा? 3 + 4, पहले हम यहाँ 3 लिखेंगे, 3 + 4 = जल्दी से काउंट करो, 3 के आगे 4 नंबर काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? यस, वेरी गुड, जिहान, जोहरा, अबुजर, वेरी गुड बेटा, 7 आएगा हमारा आंसर। कुलसुम, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हमारा आंसर आएगा 7। अब यहाँ पर हमको जो है एडिशन की जो एग्जांपल है वो मिल गई, है ना, 3 + 4 = 7। यहाँ पर हमने जो है जमा की मिसाल बनाई, है ना, एडिशन की एग्जांपल बनाई। तो जमा में तो हमने मिलाने का अमल किया, है ना, लेकिन अब हमको जो है सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल बनानी है। तो सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल बनाने के लिए मैंने क्या बताया था अभी पिछली मिसाल में, कि जब भी हम तफरीक का अमल करते हैं तो हम जो है पहले बड़ा अदद लेते हैं और बड़े अदद में से हम छोटे अदद को नफी करते हैं।
बड़े अदद में से छोटे अदद को नफी करने के लिए यहाँ पर हमको बड़ा अदद दिखाई दे रहा है। कौन सा है बड़ा अदद यहाँ पर? बड़ा अदद यहाँ पर कौन सा है? सेवन है ना, तो हम यहाँ पर सेवन लेंगे। टोटल मैंगोज हमारे पास कितने हुए थे? सेवन हुए थे। अब इसी से हमको सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल बनानी है, तो हम यहाँ पर सेवन लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, सेवन माइनस। अब यहाँ पर छोटा अदद, ये दोनों भी छोटे अदद है, थ्री और फोर, इसमें से हम एक अदद लेंगे थ्री, तो सेवन माइनस थ्री इज इक्वल टू वॉट? सेवन में से थ्री माइनस करने पर हमारा आंसर क्या आएगा बताओ मुझे? सेवन में से थ्री माइनस करके बताओ, मेरे पास सात आम थे, उसमें से तीन आम मैंने दे दिए, तो अब मेरे पास कितने आम बचे? कितने आम बचे मेरे पास, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में आंसर करके। वेरी गुड आयशा, युसरा, आलिया, अलशिफा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। फोर मैंगोज, हमारा आंसर आएगा फोर मैंगोज। अब हम क्या करेंगे के हम यहाँ पर लिखेंगे सेवन माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर होता है। अब यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन की एक एग्जांपल बना ली, लेकिन यहाँ पर दो एग्जांपल बन सकती है ना, एक तो हमने थ्री लेकर बनाए, अब एक एग्जांपल हम और बनाएंगे, ये अदद बाकी है ना, तो इस अदद को लेकर जो है हम एक एग्जांपल और बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बड़ा अदद लेंगे, टोटल मैंगोज हमारे पास कितने हैं? सेवन है, तो हम यहाँ पर सेवन लिखेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, और अभी थ्री तो हमने माइनस कर दिए थे, अभी दूसरी एग्जाम्पल बनाने के लिए क्या बचा? फोर बचा, तो हम यहाँ पर कौन सा अदद लेंगे? फोर लेंगे, कौन सा नंबर लेंगे? फोर। तो सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू व्हाट? व्हाट विल बी द आंसर? क्या आएगा जवाब जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में। के पहले हमने थ्री माइनस किया तो फोर आया, अभी फोर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? अलशिफा, आलिया, मदीहा, काशिफा, जुनैरा, वेरी गुड, शाहिना चौधरी, वेरी गुड बेटा, मोहम्मद अजमत, वेरी गुड, आंसर आएगा हमारा थ्री। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने जो है पहले एडिशन का जो है प्रोसेस किया, फिर उसी से हमने सब्सट्रैक्शन की दो एग्जांपल बनाई, टू एग्जांपल बनाई। तो हम जमा की एक मिसाल से जो है दो मिसाल बना सकते हैं। अब हर मिसाल से दो मिसाल बना सकते हैं ऐसा जरूरी है नहीं, ये हम आगे देखेंगे। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए आप, अब आपको देखो स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये है नंबर लाइन अददी खत। अब यहाँ पर देखिए पांच जमा पांच, पांच में हमने पांच मिलाए, पांच में हमने पांच जमा किए, तो हमारा जवाब क्या आया? दस आया। इसके बाद हम देखेंगे कि अब यहां से हमने बड़ा अदद लिए, दस नफी पांच, तो कितना बचा? दस में से हमने पांच नफी करे है ना, तो कितना बचा? पांच बचा। तो तफरीक की हमको यहाँ पर एक ही मिसाल हासिल हुई, क्या हुआ? तफरीक की एक ही मिसाल हासिल हुई, तो ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अदद जो है, जो हमने दो अदद यहाँ पर लिए, जो ये दो अदद हमने मिलाए 5 + 5, वो सेम है। अगर यहाँ पर अदद अलग होता तो हम सब्सट्रैक्शन की दो एग्जांपल बना सकते थे,
नफी तफरी की जो है दो मिसाल बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर अदद जो है वो यकसा है, तो यकसा अदद होने की वजह से हमारी नफी की एक ही मिसाल बनी, 10 नफी 5, और जवाब आया 5, है ना। 5 प्लस 5 हमने किए तो हमारा आंसर क्या आया, 5 प्लस 5 करने के लिए हमने क्या किया, 5 में 5 को ऐड किया, है ना। पहले हमारे पास 5 था, उसमें हमने 5 ऐड किया, तो 5 ऐड करने के लिए हम 5 से आगे 5 नंबर काउंट करेंगे, तो 6 7 8 9 10, तो हमारा आंसर क्या आया, 10। फिर 10 लेकर हमने सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल बनाई, और यहाँ पर हमने 10 माइनस 5 किया, तो 10 माइनस 5 करने के लिए हमने इस अददी खत का इस्तेमाल किया नंबर लाइन का, तो 10 में से 5 माइनस करने के लिए हम 5 नंबर को कट करेंगे पीछे की तरफ से, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आया, 5 आया। कितना बचा अभी यहाँ पर, 5 नंबर हमने कट किए, तो हमारा आंसर क्या आया, 5 आया। तो इस तरह से हमने एडिशन करना भी देखा और सब्ट्रैक्शन करना भी देखा। एडिशन से हमने सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर एक ही एग्जांपल बनाई, और एक एग्जांपल क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम नंबर था, सेम नंबर होने की वजह से हमको जो है एक ही सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल मिली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एडिशन के एग्जांपल से जो है हमको 2 एग्जांपल मिले, अगर हमारा अदद यकसा होगा तो हमें सब्ट्रैक्शन की एक ही एग्जांपल मिलेंगी। समझ में आया बच्चों आपको। अब हम आगे देखेंगे, यही एग्जांपल हम आगे देखेंगे, यहाँ पर अदद दूसरे लेकर तो हमको तफरीक की 2 मिसालें मिलेंगी। नाउ वी विल सी 1 मोर एग्जांपल, जमा तफरीक की जोड़ी, 10 जमा 12, 10 जमा 12, 10 में 12 मिलाने पर 22 होता है। ये है हमारा अददी खत। अददी खत का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 10 थे, अब हमें हमको उसमें जो है कितने मिलाना था, 12 मिलाना था, तो 10 में हमें 12 मिलाना था, तो हमने 10 के आगे 12 अदद गिने, तो 10 के आगे 12 अदद गिनने पर हमें क्या मिला, 22 मिला। अब हम इसी 22 से तफरीक की मिसाल बनाएंगे, 22 नफी 10। अब यहाँ पर हमको तफरीक का अमल करना है, यहाँ से हमने जो है बड़ा अदद लिया 22 और छोटा अदद क्या थे, यहाँ पर दोनों भी छोटे अदद है, ये 22 से छोटे ही है ना, तो यहाँ से हमने 10 लिया, पहले 10 को लिया, 22 नफी 10 करेंगे, तो 22 नफी 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 22 तक नंबर है, तो हम 22 के पीछे से जो है 10 नंबर कट करेंगे, है ना। तो अब हम 22 में से 10 नफी करने के लिए हम 10 नंबर कट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे, क्या जवाब आएगा हमारा, हमारा जवाब आएगा 22। कितना आएगा हमारा जवाब, 22 आए, सॉरी हमारा जवाब आएगा 12, सॉरी बेटा 12 आएगा, 22 में से 10 नफी करने पर हमारा जवाब आएगा 12। अब हम यहाँ से अभी एक एग्जांपल तो हमने बना लिए, अब दूसरे एग्जांपल बनाने के लिए हम यहाँ पर ये बड़ा अदद वापस से लेंगे, 22 नफी, अब यहाँ से हमने 10 लिया था, अब उसके बाद हम कौन सा अदद लेंगे, 12 लेंगे, तो हमने पहले 22 नफी 10 किया था, तो हमारा जवाब क्या आया, 12 आया।
अब हम 22 नफी 12 करेंगे, तो 22 नफी 12 करने पर हमारा जवाब क्या आएगा? तो हम यहाँ पर, हमारे पास अददी खत मौजूद है, हम 1 से लेके 22 तक नंबर है, तो उसमें से हम कितने नंबर कम करेंगे? 12 नंबर कम करेंगे। तो 22 में से 12 नंबर कम करने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 में से हमने 12 कम किए, तो हमारा जवाब क्या आएगा? क्या आएगा हमारा जवाब? देखिए 10 आएगा। क्या आएगा हमारा जवाब? 10 आएगा। 22 नफी 12 बराबर कितना होता है? 10 होता है, 1/10 सिफर इकाई 10। तो यहाँ पर जो है, हमने पहले 10 जमा 12 किए तो हमको क्या मिला? 22 मिला। फिर हमने यहाँ से ये बड़ा अदद लिए 22, और 22 नफी हमने 10 किए, 22 नफी 10 करने पर हमारा जवाब क्या आया? 12 आया। फिर हमने यहाँ से 22 वापस लिए दूसरी मिसाल बनाने के लिए, और हमने 22 नफी 12 किए, तो 22 नफी 12 करने पर हमारा जवाब क्या आया? 10 आया। तो समझ में आया बच्चों आपको? बहुत ही इजी तरीका है, आसान तरीका है ना एकदम। जमा की हर मिसाल से तफरीक की दो मिसाल हासिल होती है या नहीं, ये तलाश करना है। तो अभी हमने पहली मिसाल में देखा कि हमने यकसा अदद लिए, तो यकसा अदद लेने पर हमको तफरीक की एक ही मिसाल मिली, और अगर अदद यहाँ पर अलग हो तो हमें जो है तफरीक की दो मिसालें मिलती है। ठीक है, इसी तरह 10 + 12 = 22 होता है, और 22 - 10 = कितना होता है? 12 होता है। और इसी तरह 22 - 12 = 10 होता है। पहले हमने 10 + 12 किए तो हमारा आंसर आया 22, और 22 - 10 किए तो हमारा आंसर आया 12। इसी तरह यहाँ हमने 22 - 12 किए तो हमारा आंसर आया 10। तो जमा की हर मिसाल से तफरीक की दो मिसाल हासिल हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पेयर। अब यहाँ पर देखिए दो अदद है हमारे पास, 4 और 6, तो 4 में हमको 6 मिलाना है, तो 4 में 6 मिलाने पर हमारा जवाब क्या आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर अददी खत है, इस अददी खत से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 है ना, ये देखिए 4 अदद है, इसमें हमको 6 मिलाना है, तो हम 4 के आगे 6 अदद गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 4 में 6 जमा करने पर हमारा जवाब आता है 10। अब हम यहाँ पर 10 जो है ये बड़ा नंबर है ना, तो हम इससे तफरीक की मिसाल बनाएंगे। तो पहले हम 10 को लेंगे और यहाँ से छोटा अदद लेंगे 6, 10 नफी 6, और दूसरी मिसाल बनाने के लिए बड़ा अदद लेंगे 10 और यहाँ से छोटा अदद लेंगे 4। तो ये दोनों अदद का इस्तेमाल करके हमने दो मिसालें बनाई। तो 10 में से 6 नफी करने पर हमारा जवाब क्या आएगा? हम 6 नंबर जो है 10 में से कट करेंगे, तो हम पीछे की तरफ से 6 नंबर कम करेंगे, यहां से हम 6 नंबर कम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 नंबर कम करने पर जो है हमारा जवाब कितना आएगा? कितने नंबर बचे यहाँ पर?
चार बचे, कितने बचे? चार बचे। अब देखिए, अब हमको 10 नपी 4 करना है, तो 10 नपी 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से अददी खत का इस्तेमाल करेंगे, है ना, अददी खत का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर, हमने अभी यहाँ पर 6 नंबर कट किए थे, है ना, तो अब हमने यहाँ पर इसको कितने कर दिए? 2 को कम कर दिए, मिटा दिए। तो यहाँ पर हमारे कितना बचा? 10 में से हमने 4 नफी किए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 नफी किए, तो हमारे पास कितना बचा? 6। कितना बचा? 6 बचा। समझ में आया? पहले हमने 4 जमा 6 किए तो हमारा जवाब आया 10, फिर 10 का इस्तेमाल करते हुए हमने 10 नफी 6 किए तो हमारा जवाब आया 4, फिर हमने 10 नफी 4 किए तो हमारा जवाब आया 6। समझ में आया आपको बच्चों? 4 + 6 = 10 होता है, और यहाँ पर हम बनाएंगे 10 - 6 = what? 10 में से हमने 6 माइनस किए तो हमारा आंसर क्या आया? अभी हमने यहाँ पर देखे 10 नफी 6 किए तो हमारा जवाब आया 4, यानी कि हमारा आंसर आया 4। इसी तरह 10 - 4, 10 नफी 4 भी हम यहाँ कर चुके हैं, तो 10 नफी 4 करने पर हमारा जवाब आया था 6, यानी 10 - 4 = कितना होता है? 6 होता है। समझ में आया बच्चों? Now we will see one more example. आगे देखेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास 2 अदद है, 8 और 5। कौन से अदद है? 8 और 5। तो 8 में 5 मिलाने पर कितना होता है? कौन बताएगा? बताइए जरा, 8 में 5 मिलाने पर कितना होता है? 8 और 5 की जमा कितनी आती है? 8 में 5 मिलाने पर कितनी आती है जमा? जरा बताओ मुझे। नीना सिद्दीकी, अर्शिया, वेरी गुड, रुश्दा, अब्दुल रहमान, जोया, शाहिना, अबूजर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और ये कौन है? आमिना, 16, सो रॉन्ग है बेटा, 8 + 5 = 13 होता है, 8 + 5 = 13 होता है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? 13 आएगा। हमारा जवाब क्या आएगा? 13 आएगा, है ना? वेरी गुड, बड़े अच्छे आंसर देते हो बेटा आप लोग। 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। अब यहाँ पर हमको जमा की मिसाल मिल गई। अब यहाँ पर बड़ा अदद कौन सा है? 13 है, तो हम 13 में से नफी करेंगे 8 को। 13 नफी 8 करने पर हमारा जवाब क्या आएगा? हम यहाँ पर अददी खत का इस्तेमाल करेंगे, तो हम 13 में से जो है कितने नंबर कम करेंगे? 8 नंबर कम करेंगे। 13 में से 8 नंबर कम करने के लिए हम यहाँ से पीछे से नंबर कम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 13 में से हमने 8 नंबर कम किए, कट किए, तो अब हमारे पास कितने नंबर बचे? कितने नंबर बचे बताओ जल्दी से, कितने नंबर बचे? वेरी गुड, हमारे पास नंबर बचे 5। 13 नफी 8 कितना होता है? 5 होता है। अब हम दूसरी मिसाल बनाने के लिए वापस इस 13 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अदद है,
तो हम यहाँ लिखेंगे 13, पहले हमने 8 कर दिए थे, 13 नपी 8, अब यहाँ पर 5 बचा तो हम लिखेंगे 13 नपी 5। तो 13 नपी 5 कितना होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 में से 5 नंबर जो है कम करेंगे, तो हम कम कर 13 में से जो है हम 5 नंबर कम करेंगे। तो यहाँ से हम जो है, ये देखिए आपको 1 से लेके 13 तक नंबर दिखाई दे रहे हैं अददी खत पर, अब हम जो है क्या करेंगे, 5 नंबर को कट करेंगे, कम करेंगे। तो पीछे से हम 5 नंबर कम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 13 में से 5 कम करने पर हमारा जवाब आएगा कितना आएगा, जवाब हमारा 8 आएगा। क्या आएगा हमारा जवाब, 8 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा 8 जमा 5 किए तो हमारा जवाब आया 13, और 13 नफी 8 किए तो हमारा जवाब क्या आया, 5 आया, और 13 नफी 5 करने पर हमारा जवाब आया 8। अब हम देखेंगे इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 2 नंबर है, 8 और 5, तो हमने 5 प्लस 8 किए तो हमारा आंसर क्या आया था, 30। फिर हमने 13 को लिया, 13 माइनस 8 किया, तो 13 माइनस 8 करने पर हमारा आंसर क्या आया था, 5 आया था। फिर हमने 13 माइनस 5 किए, तो 13 माइनस 5 करने पर हमारा आंसर क्या आया, 8 आया। समझ में आया आपको बच्चों? समझा, वेरी गुड, ओके। अब हम आगे देखेंगे, अब ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, ओके, लास्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है, 16 और 14, तो 16 में हमको जो है 14 ऐड करना है, तो हम नंबर लाइन का यूज करेंगे, नंबर लाइन का यूज करेंगे, तो 16 में हमको 14 मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर है हमारे पास, अब 16 के आगे हम 14 नंबर काउंट करेंगे, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 16 प्लस 14 कितना होता है, 30 होता है। 16 प्लस 14 कितना होता है, 30 होता है। इसी तरह इस 13 का यूज करके हम सब्सट्रैक्शन की एग्जांपल बनाएंगे, 13 का यूज करके जो है सब्सट्रैक्शन की एग्जांपल बनाएंगे। तो 13 माइनस 16 करेंगे, अब 13 माइनस 16 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास पूरे 13 नंबर मौजूद है नंबर लाइन में, तो हम 13 में से 16 नंबर माइनस करेंगे, तो हम 16 नंबर को पीछे की तरफ से कट करेंगे। तो हमारे पास 13 है, हम पहले 13 में से हमको 16 माइनस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो कितने हमारा आंसर क्या आएगा, 14 आएगा हमारा आंसर।
है ना, 16 नंबर हमने कट किए, पहले 14 किए थे फिर 2 और किए, तो हमारा आंसर क्या आया, 14 आया, है ना। 13 माइनस हमने 16 किए, तो 13 माइनस 16 करने पर हमको क्या मिला, 14 मिला। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम बनाएंगे 13 माइनस 14। देखिए यहाँ पे 13 माइनस 14, तो 13 माइनस 14 करने के लिए हम वापस से जो है यहाँ पर नंबर को कट करेंगे, तो 16 नंबर तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कट किए ही है, तो उसमें से हम यहाँ दो नंबर को इरेज कर देंगे, तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा 16 किए थे, तो अभी हम 14 कर दिए, है ना। अभी ये हमने कितने नंबर कट किए हैं, 14 कट किए हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा हमारा आंसर बताओ जल्दी से। 13 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना होता है, बताओ जल्दी से आंसर। यस आलिया, अर्शिया खान, सोफिया अबूजर, वेरी गुड बेटा मोहम्मद अहमद, वेरी गुड। 13 माइनस 14 इज इक्वल टू 16 होता है। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बड़े अच्छे आंसर देते हो आप लोग। 13 माइनस 14 इज इक्वल टू 16 होता है। 13 में से हमने 14 माइनस किए, तो हमारा आंसर क्या आया, 16 आया, और 13 माइनस 16 किए, तो हमारा आंसर क्या आया, 14 आया। समझ में आया बच्चों आपको कि किस तरह से जो है हमने जमा की मिसाल का इस्तेमाल करते हुए उससे तफरीक की मिसालें बनाई, एडिशन की एग्जांपल का यूज करते हुए उसमें से हमने बिग नंबर लिया और फिर स्मॉल नंबर को हमने माइनस किया, है ना। तो बड़े अदद में से कभी भी तफरीक के अमल में जो है क्या किया जाता है, बड़े अदद में से छोटे अदद को नफी किया जाता है। तो हमने यहाँ पर बड़ा अदद लिया फिर उसमें से छोटे अदद को नफी किया, तो बहुत ही आसान ये अमल है। आप सभी को जो है समझ में आया बच्चों, से यस और नो जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क देती हूँ। समझा या नहीं समझा, जल्दी से आंसर करो बेटा, से यस और नो। यस मदिया, अम्मा, वेरी गुड, सबको समझ में आया ना बेटा। अच्छा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अब्दुल रहमान, ओके चलिए बड़ी अच्छी बात है कि आप सबको जो है मैंने जो समझाया वो आपको आपका होमवर्क के लिए। आपका होमवर्क है सपा नंबर 30 पर की जो मिसालें है वो आपको अपने ओन से खुद से हल करना है। मेक वन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन लाइक द अबव एंड सॉल्व इट पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 आपकी बुक का, सभी उर्दू मीडियम वालों का भी पेज नंबर 30 है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी पेज नंबर 30 है। तो आपको जो है बेटा पेज नंबर 30 पर से जो है ये मिसालें खुद से हल करनी है, समझ में आया आपको। और फिर हल करके आप मुझे, हमारे स्कूल का ग्रुप बनाया गया है ना, उस ग्रुप में बताएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।